जी कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? आप नई रिसेप्शनिस्ट? जी हाँ। वेरी गुड, यू आर लुकिंग सो सेक्सी। अब जब भी कालिया साहब से मीटिंग होगी तो मैं फोन पर अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा, सीधे यहाँ आकर आपसे बात करूंगा। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे सीधे सीधे लाइन मार रहे हैं आप? औरतों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? है, बहुत है, लेकिन कमबख्त इस दिल का क्या करें। सच पूछिए तो कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई ना, तो इतना मारूंगी ना चप्पलों से कि नानी याद आ जाएगी, आपके बच्चे तक गंजे पैदा होंगे। चलो जाओ यहाँ से। ओबेरॉय सर, नाइस टू सी यू सर। सर आप यहाँ कैसे? मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद ही आ जाता आपको लेने के लिए। कल साहब, लगता है आपके साथ बिजनेस नहीं हो पाएगा। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया सर? आपने भी कैसे कैसे लोगों को काम पे रखा हुआ है, ये मेरी बेइज्जती कर रही है। आपकी बेइज्जती? या क्लाइंट से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? सर ये आदमी मुझे, ये आदमी क्या, तुम जानती हो ये कौन है? ये मिस्टर ओबेरॉय हैं, चड्डी किंग। पूरा इंडिया इनकी चड्डी पहनता है, यहां तक कि मैं भी। सॉरी बोलो इन, आई सेड सॉरी बोलो इन्हें, नहीं तो नौकरी से आउट। अपोलोजाइज नाउ। सॉरी। इट्स ओके। सॉरी सर। ओ सुनो, तुम रिसेप्शनिस्ट हो, क्लाइंट से मुस्कुरा के बात करना, दो कॉफी भेजो मेरे केबिन में। यस सर। आइए सर। चल, क्या कर रही तुम? दुखी मैं तो बॉबी, ये ओबेरॉय है ही ऐसा, हर लड़की पर इसकी गंदी नजर रहती है। ऐसे लोगों को तो चौराहे पे मारना चाहिए, अभी कुत्ते गली में होता ना तो दिखाती इसको। किस किस को मारोगी बॉबी? जब लड़की जॉब के लिए निकले ना, तो उसे इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कौन कहता है हमारे देश में औरतों और मर्दों को समान दर्जा दिया जाता है? आज पता चला कि एक औरत के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है।